अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, गेम छोड़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन माइल्स ब्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्रांड न्यू ब्लॉग। गाइस आज है सैटरडे और हम भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ, गांधी आश्रम के अंदर। तो ये है गाइस गांधी आश्रम, हमारे जो देश के महान फ्रीडम फाइटर है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनकी नोटों पे जिनकी आप तस्वीरें देखते हैं। सो गाइस यू विल सी द रॉ व्लॉग ऑफ गांधी आश्रम, यही वो जगह है यहाँ पे आपने जो महात्मा गांधी वो रेस्ट करते थे यहाँ पे, और काफ़ी सारी चप्पलें बनाते थे, रू पीसते थे, कॉटन बनाते थे। तो ये है सारी तस्वीरें। ये रही बहुत सारी तिजोरियाँ जिनके अंदर गांधी जी का कुछ कीमती सामान कागजात वगैरह रखते थे, और ये बहुत सारी बुक्स यहाँ पर पड़ी हुई है। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है गांधी आश्रम का। चलिए आप लोग अंदर भी लेके चलता हूँ। एज यू कैन सी आई थिंक दिस इज द लाइब्रेरी, और ऊपर आप देख सकते हैं पानी की टंकी है, एक छोटा सा रेस्ट रूम जैसा बना हुआ है। ये हैंडीक्राफ्ट की कुछ चीज़ें, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा लाइब्रेरी टाइप था और हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर, और ये है पूरा पार्किंग एरिया है। तो ये गांधी आश्रम जो बना हुआ है वो साबरमती के तट पे बना हुआ है, और यहीं से एक्चुअली रिवर फ्रंट स्टार्ट होता है। झाड़ के पास ठीक है सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइज कर लेते हैं। बंद हो चुका है ना,
बंद हो गया ये। मेन जो गांधी बाबू का घर है, हम लोग को जाना था अंदर, वो एक्चुअली बंद हो चुका है। 6 बजे उसका दरवाज़ा वो लोग बंद कर देते हैं। आप लोगों में नीचे चल के भी दिखा देता हूँ। जो दूसरा जो घर है उसके अंदर गांधी बाबू की सारी चीज़ें रखी हुई, उनकी चप्पल है, जो उनका चरखा था जिससे वो कॉटन बनाते थे, वो एक्चुअली बंद हो गया, तो आप लोगों को मैं दिखा था। तो चलिए अब एंजॉय कर लीजिए गार्डन एरिया। ये रही गांधी बाबू की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। तो भी ले लेते हैं थोड़े फोटोस। हेलो, नमस्ते नमस्ते। बहुत क्यूट है। नमस्ते। अभी हम चलेंगे फोटो स्टोर करके रखे हुए हैं बहुत सारे। एक्चुअली लाइटिंग वगैरह यहाँ पे ऑफ कर दी है। Yeah. So I'll show you the चरखा और गांधी जी। जिस चरखे से वो बनाते थे सुतराऊ कापड़, गुजराती में उसे बोलते हैं सुतराऊ कापड़, कॉटन के कपड़े बनाते थे, कॉटन क्लॉथ्स। गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं वहाँ पे एक मोर बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर मोर है वहाँ पे, ठीक उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रखी हुई है गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें गांधी जी की। और ये रहा गांधी जी का बड़ा सा चरखा, वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते। ये जगह पे भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की हुई है। अगर फ़ोटो अगर मुझे मिले तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे ठीक वहाँ पे फ़ोटो शूट किया हुआ था। अभी लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर दिए। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है गांधी आश्रम। यहाँ पे पीने का पानी भी रखा हुआ है, चलिए पानी पिएंगे थोड़ा। ये शायद बंद है, ये काम नहीं कर रहा है। गाइस पानी बहुत ही अच्छा था और बहुत ही स्वीट पानी था। ये वॉशरूम है, पानी सच में भाई लोग बहुत मीठा था, स्वीट एकदम पानी था। हम लोग जो सिटीज़ में पीते हैं
उसके मुकाबले बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे वॉशरूम भी एकदम पुराने टाइप के बने हुए, तो गाइस वो रहा सामने मोर। ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक नहीं दो दो मोर है, ये आ रहा है शायद चल। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस मोर, एक नहीं दो सौ है। वाह वाह, चलिए अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दो लव बर्ड्स बैठे ऊपर, जो डांडी मार्च हुआ था वो अहमदाबाद यहीं से स्टार्ट हुआ था, डांडी ब्रिज। वाह क्या सुकून है, शांति यहाँ पे। यहाँ से गाइस आप लोगों को देखेगा ब्रिज और रिवर फ्रंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। देख लीजिए भाई लोग पूरा नज़ारा। गाइस अभी हो रही है शाम, सनसेट हो रहा है और आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत ही एक पीस देने वाली आवाज़ है ये बर्ड्स की और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो फटाफट, हम लोग को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो फोड़ दो जो भी करना है करो, पर क्लिक हो जाना चाहिए भाई लोग सब्सक्राइब बटन, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो लाइक करो। और जितने भी अपने नए भाई है सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को वीडियो में मज़ा आएगा। और जो भी मेरे पुराने भाई लोग हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए और जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट में करिए, कमेंट डाउन बिलो भाई लोग। हम लोग आए थे 6:16 पे और अभी बज चुके हैं 6:50। देखते हैं सनसेट हो रहा है, अभी थोड़ी बहुत जगह बचती है तो चलिए आगे चलते हैं। और ये है होला, इतना खूबसूरत और प्यारा बर्ड है ये। वाओ तो वहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, अभी हम चलते हैं सामने देखते हैं वहाँ पे क्या है। 1917 to 2017 साबरमती आश्रम, तो 21 भाषाओं में लिखा हुआ साबरमती आश्रम, गुजराती हिंदी तमिल मलयालम बंगाली उर्दू रशियन स्पेनिश सभी लैंग्वेज में लिखा हुआ है साबरमती आश्रम। तो ये रहे हमारे गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो भाई आप लोग एक चीज़ बताना चाह रहा था, ये बहुत ही अच्छा है, एक्चुअली खिताब है पर यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली दिख नहीं रहा है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर खिसकोली आके सोती भी है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बने हुए गांधी आश्रम में। एक ये रहा, दूसरा काटना मत। तो गाइस आ चुके हैं अभी हम बाहर और बज चुके हैं 7:00, तो अभी हम निकलेंगे घर की तरफ। आई होप आपको एक ब्लॉग अच्छा लगा होगा गांधी आश्रम का, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तब के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।